यो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित आरओएआरओ परीक्षा 2021 जो कि 5 दिसंबर को आयोजित होगी उसके लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जीएस के 140 प्रश्न आपको मिलेंगे। ये टेस्ट आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा निकाला गया है, तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में राश दिया गया है और दूसरी सूची में इकाई दी गई है, तो इसको मिलाते हैं। उच्च वेग को मापने में मैक नामक मात्रक का प्रयोग किया जाता है, तो ए को पहले से मिलाते हैं। इसके बाद तरंग दर्द के लिए एंडस्ट्रॉम। इसके बाद दाब को पास्कल और ऊर्जा को जूल से, तो इस तरह से आपका सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी एनीमीटर। प्रश्न नंबर तीन देखते हैं, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो होता है वो तापमान को स्थिर रखने के लिए होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर चार, मृग मार्चिका का क्या कारण है? तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए एक और दो, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर छः देखते हैं, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। प्रश्न नंबर सात, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मछली है वो व्हेल शार्क है, ऑप्शन बी सही होगा। और ये भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली के रूप में गिना जाता है। प्रश्न नंबर आठ देखते हैं, किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मेढक। प्रश्न नंबर नौ देखते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो होता है माइक्रोकांडिया, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं, प्रोकैरियोटिया से यूकैरियोटिक भिन्न है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, तो मस्तिष्क जो जिम्मेदार होता है वो सोचने के लिए, हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही होंगे। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, BMD प्रशिक्षण किया जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अस्थि रंध्रता हेतु। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अग्नाशय। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, श्याम विवर होता है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी सिमट गया तारा। तो ब्लैक होल या श्याम विवर तारों की मृत्यु के बाद की अवस्था को कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव द्वारा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, बिब्लियोमेट्री है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सूचना प्रबंधन उपकरण। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, इंटरनेट क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता से संबंधित जो केंद्र हैं यहाँ पर विकल्प होगा ऑप्शन डी 3 और 4।
आलमगीर और हुलास। आलमगीर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जे एच मैके द्वारा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। पुरास्थल जूनीकुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, स्टेडियम। पुरास्थल जूनीकुराल से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, स्मृतियों में उल्लिखित अपद्रम्य के विषय में कौन एक सत्य है, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 23। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जैन मत से। प्रश्न नंबर 24। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राजगिरी में। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। सम्राट अशोक के अध्यादेश राजाध्यादेश का सबसे पहले विकूटन किसने किया था, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रेसप। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में है, ए को बी से मिलाते हैं। माला देवी मंदिर, तो माला देवी मंदिर जो है ग्यारसपुर में है। एतारेश्वर मंदिर जो है वो आपका दारासुरम में है, और अंबा माता मंदिर जगत में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर में गजनबी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, खुसरो मलिक। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था, तो बाजार नियंत्रण से कौन सा अधिकारी संबंधित नहीं था, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, दरोगा या मंडी। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह ने। अटाला मस्जिद का निर्माण सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने 1408 में करवाया था। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बख्त खां। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भगवत जवाहरमल। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 2 और 3, ऑल इंडिया शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। 1902
में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो दादा भाई नौरोजी के विषय में जो कथन असत्य है वो है ऑप्शन डी, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, एक गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। काकोरी डकैती ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। प्रश्न नंबर 40। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ढाका में। प्रश्न नंबर 41। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप, तो असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही हैं। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगाल में। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PC सहगल, कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लो के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूला भाई देसाई। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुआ था 24 जनवरी 1950। तो अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा दिया गया है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, गलत है। तो यहाँ पर पहला सही है आपका। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृति और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची के द्वारा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। कथन और कारण, भारत संघ नहीं है। कारण है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। यहाँ पर ए गलत है और आर सही, कारण सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन इन सभी के कारण होता है।
प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समान काम के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान है यहाँ पे अधीन रहकर कार्य करती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 56। निम्न में से कौन सी एक USA और भारत की संघ राज्य परिषद पद्धति के समान विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, न्यायिक संगठन के दो समुच्चय। चलिए प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य संबंध। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों को ऊपर नियंत्रण रखती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यहाँ पर तीनों सही है, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने और संसद द्वारा। प्रश्न नंबर 60, राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ क्या होता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 61। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राथमिक घाटा। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। भारतवर्ष में नोट जारी करने की क्या प्रणाली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम कोष प्रणाली। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना और किस पर बल दिया गया था, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी कृषि एवं समुदाय विकास के लिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों के लिए है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना, और नौवीं के खाद्य सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा जो है धान की प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा है? तो कूट के द्वारा यहाँ उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 बम्बई में हुई थी, और तीसरा देख सकते हैं प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 मद्रास में हुई थी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 1 और 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, तो भारत में जो गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। 2011 के
की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 16.5। भारत की कुल आबादी में से 16.5 जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में विगत दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नागालैंड में। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि जो दर थी वो -0.6% थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या था, पुरुष स्त्री का अनुपात क्या था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1000 पुरुषों में 943 स्त्रियाँ। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम था? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। भारत के निम्नलिखित अस्तर अवरुद्ध राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो बताइएगा, अस्थल अवरुद्ध भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम थी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अवस्थित है वही पर्यावरण है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को उस समय बिंदु पर घेरे हुए होती है पर्यावरण कहलाता है। भौतिक, अजीविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं वो पर्यावरण कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अमेजन वर्षावन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी परिवहन खंड। तो भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा जो स्रोत है परिवहन खंड है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, कीवी। कीवी है क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए उड़न में अक्षम होता है। कीवी एक पक्षी है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, उड़ नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82। चिन्नार वन जीवन विहार अवस्थित कहाँ पर है? तो चिन्नार वन जीवन विहार अवस्थित कहाँ है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी केरल में। चिन्नार वन जीव विहार केरल में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित किया गया था कब? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1997 में। पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। भारत की अवस्थिति क्या है? तो भारत का लोकेशन यहाँ बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अक्षांशीय विस्तार में 8° 4' उत्तर से लेकर 37° 6' उत्तर अक्षांशीय स्थान है। और देशांतर विस्तार इसका देखें भारत का तो 68° 7' पूर्व से लेकर 97° 25' पूर्व के मध्य में स्थित है वो भारत आपका है। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिक्किम। तो सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल से, भूटान से और चीन तीनों देशों से लगी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ पहाड़ियाँ दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो गारो खासी जयंतियाँ जानते हैं मेघालय में है, एक को मिलाते हैं पहले से मीरी।
तो मीरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। और इसके बाद कुल्लामलाई है तमिलनाडु में, और डालमा आपका झारखंड में है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 87। लेह अवस्थित है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के किस राज्य में, तो केरल है, केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, यहाँ परियोजना है और एक तरफ राज्य है। तो चलते हैं परियोजना देखते हैं। तो मैटूर परियोजना जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है और कावेरी नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए है। मयूराक्षी परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक, शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई के लिए बनाई गई है। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मझगांव पोत निर्माण यार्ड। प्रश्न नंबर 91। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, प्रतिपदा के दिन। सूर्य ग्रहण की स्थिति जो है प्रतिपदा के दिन होती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब पृथ्वी योम सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। प्रतिपदा मतलब होता है अमावस्या। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, यूरोप महाद्वीप के कुल स्थल क्षेत्र का सर्वाधिक भाग मैदान से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, तो यहाँ ए को सुमेलित करते हैं, अंधद्वीप। तो अंध महाद्वीप जो है वो अफ्रीका से सुमेलित करते हैं। विश्व की छत, तो विश्व की छत पामीर का पठार कहलाता है। और हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं, और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। तो इस तरह से मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है, अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो एक तरफ नगर दिया गया है, दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया है। तो बर्लिन में जो है सिप्री नदी है। चलिए लाहौर में आपका रावी, न्यूयॉर्क में हडसन, और रोम में टाइगर। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अंटेरियो, ईरी, ह्यूरान, मिशिगन और सुपीरियर। तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में FY21 का GDP ग्रोथ रहने का अनुमान क्या था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 6.5, 6 से लेकर 6.5। ये 2020 के करंट अफेयर्स हैं, तो यहाँ से करंट अफेयर्स नहीं आएगा क्योंकि अधिकतर 2021 का ही पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, किस प्रकार के माल के परिवहन के लिए PPP पर भारतीय रेल द्वारा किसान रेल स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, शीघ्र खराब होने वाले कृषि उपज के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 101 देखते हैं, केंद्रीय बजट 2020-21 में किसानों को सोलर पैनल से जुड़े पंप सेट कितने दिए जाएंगे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 20 लाख। 102 देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा चंबा सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड।
प्रश्न नंबर 103 देखते हैं, चार धाम परियोजना का कार्य किस राज्य मार्ग पर चल रहा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए NH 94। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104, चर्चा में रही पुंटियस सेंटक्स किसकी प्रजाति है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मछली की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105, हाल ही के दिनों में ओपन स्काई ट्रीटी सुर्खियों में रही कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी भारत। भारत जो है इसका देश नहीं है, इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न 106, 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अंतर्गत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 2019 का करंट अफेयर्स है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बी 112वां स्थान रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107, यहाँ भी 2019 का ही करंट अफेयर्स है। तो दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? इसका सही विकल्प होगा कानपुर में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार विश्व में सर्वाधिक डायस्पोर वाला देश कौन सा है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1, 3 और 4 सही है। देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र को WHO के सहयोग केंद्र के रूप में पुनर्निर्मित किया गया, सही है। तीसरा देखते हैं, NHSRC की स्थापना 2006 में हुई, ये भी सही है। चार नंबर देखते हैं, यह राज्यों की नीति निर्माण रणनीति विकास में सहायता प्रदान करती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो सही होगा 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 110 देखते हैं, ओपन स्काई ट्रीटी के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा की है। इस संधि में कुल 35 देश सम्मिलित हैं। यह संधि हवाई निगरानी से संबंधित है, तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 111, 30 दिसंबर 2019 को वन रिपोर्ट 2019 की स्थिति जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण की दृष्टि में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ प्रश्न आपको रीजनिंग के मिलेंगे और यहाँ पर मैं इसका उत्तर बता दूंगा। अगर आपको ये प्रश्न हल करने हैं तो वीडियो को रोककर आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, जैसा लंबा किसी वस्तु से संबंध है उसी तरह तीव्र संबंध होगा। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी ध्वनि से। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अपोलो। मंगल बृहस्पति बुध ये ग्रह हैं, अपोलो एक कृत्रिम उपग्रह है। तो यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है और लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लुप्त संख्या जो होगा ऑप्शन बी 71 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 115, तो 115 में भी खाली स्थान भरना है, श्रेणी को पूरा करना है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी CBB CAB। अगला प्रश्न है, 116, राम 1 किलोमीटर पूरब में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, वहाँ से फिर 2 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 117 में जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन डी पिता, यहाँ संबंध आएगा। 118 में जो सही विकल्प है वो होगा ऑप्शन सी USA। अगला प्रश्न है 119, तो यहाँ जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी होगा, 6 आएगा। अगला प्रश्न 120 नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, राधा होगा। 121 देखते हैं, खाली स्थान भरना है x के स्थान पे, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 48 आएगा।
अगला है बेन आरेख से संबंधित तर्क वाक्य है, कुछ फेरी वाले लखपति हैं तो कौन सा प्रतीक है, तो कुछ फेरी वाले लखपति हैं तो फेरी वाला लखपति जो दर्शाएगा वो ऑप्शन बी दर्शाएगा। प्रश्न नंबर 123 देखते हैं, 123 में जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सही होगा, आप इसको हल कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 124 देखते हैं, मानसिक खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं तो इसका निष्कर्ष निकालना है, तो इसका जो सही निष्कर्ष होगा तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मानस लंबा है। चलिए अगला देखते हैं, दीवार घड़ी में 3:25 अपराह्न का समय होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना न्यून कोण होगा, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 47.5। अगला प्रश्न देखते हैं, 126 देखते हैं, 126 में उत्तर प्रदेश लोकगीत दिया गया है और क्षेत्र और स्थान दिया गया है, तो चलिए इसको मिलाते हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आला खंड जो है बुंदेलखंड से संबंधित सही है, बिरहा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश से है सही है, कजरी जो है ये आपका मिर्ज़ापुर से संबंधित है ना कि रुहेलखंड से, ये आपका गलत है, चैता अवध और भोजपुर क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है सोनभद्र जिले किसको स्पर्श करते हैं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश विशेष है आपका, तो सोनभद्र जो जिले हैं वो 4 राज्यों की सीमाओं से लगते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 128 देखते हैं, तो यहाँ सुमेलित करना है नवाबगंज पक्षी बिहार, तो उन्नाव में है, इसके बाद ओखला पक्षी बिहार जो है गाजियाबाद में है, समस्तपुर पक्षी बिहार आपका रायबरेली में है, और पार्वती आरंगा पक्षी बिहार जो है वो आपका गोंडा में है, तो इस तरह ऑप्शन बी सही होगा, 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 129, हर्बर्ट रिश्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आर्यो द्रविड़ का। प्रश्न नंबर 130 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, तो इसका सही विकल्प होगा नरोडा में। प्रश्न नंबर 131 देखते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सही होगा, बेटेश्वर मेला जो है वो आपका आगरा में लगता है, और इसके बाद देवा मेला बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में, और नवचंदी मेला आपका आगरा में, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे 131 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 132, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, तो सूची एक को सुमेलित करते हैं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ज्योतिबा फूले नगर, अमरोहा इसका मुख्यालय है, संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर आपका खलीलाबाद मुख्यालय है, सिद्धार्थ नगर नौगढ़ मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 133, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई थी, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1992 में से। प्रश्न नंबर 134 देखते हैं, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1960 में। 135 देखते हैं, औद्योगिक संस्थान और सूची या नगर, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है वो आपका पड़ेगा रायबरेली, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये आपका पड़ेगा झांसी, कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये आपका कानपुर, उर्वरक कारखाना ये आपका फूलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 136, दादरी चुनार चुर्क तथा डाला सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सीमेंट। प्रश्न नंबर 137, ढोला लोक गीत लोकप्रिय है, तो ढोला लोक गीत जो लोकप्रिय है वो आगरा और मेरठ में, उत्तर प्रदेश में ढोला व रागनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में होता है, और यह आगरा और मेरठ में इसका ज़्यादा प्रचलन है। प्रश्न नंबर 138 देखते हैं,
20वीं पशुधन गणना के आधार पर देश में कुल कितने पशुधन आबादी हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 535.78 मिलियन। प्रश्न नंबर 139, पशुधन संख्या 2012 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 5.63% की वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 140, 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में भैंसों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 109.85 मिलियन। तो यहाँ पर 140 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगले टेस्ट सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।